आज हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी के अंतर्गत जो मैंने आपको वितान भाग दो पढ़ाया था उसमें अतीत के दबे पांव, तो उसमें हमने आपको उसका पूरा जो उनका जीवन परिचय पढ़ाया था और इसके बाद मैंने पूरे पाठ का सारांश आपको समझाया था। आज हम उसी पाठ के प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे। इनको आपको बहुत अच्छे से लिखना भी है और परीक्षा के लिए तैयार भी करना है। चलिए आइए पढ़ते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे? सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था। यहाँ की नगर योजना सुनियोजित, यहाँ की जो नगर योजना थी वो सुनियोजित थी। सड़कें समकोण पर काटती थी, सड़कों के दोनों ओर ढकी हुई नालियां थी, कुओं द्वारा जल व्यवस्था थी। नगर को सिंधु नदी की बाढ़ से बचाने के लिए मनुष्यों द्वारा निर्मित टीलों पर बसाया गया था। खुदाई में स्नानागार, मृदभांड, कुएं, तालाब, मकान, खेती के औजार, अन्य कोठार मिले हैं। महाकुंड, ज्ञानशालाएं, बड़े बड़े दालान, खंबे, सूती कपड़े, आभूषण मिले जो साधन संपन्नता का प्रतीक है। यहाँ सब मनुष्य की आवश्यकताओं से जुड़ा था। यहाँ राजतंत्र और धर्मतंत्र के स्थान पर समाजतंत्र था। सिंधु सभ्यता कृत्रिमता व आडंबर से दूर थी क्योंकि यहाँ राजतंत्र की शक्ति को दिखाने वाले भव्य महल, मंदिर, पिरामिड, भव्य मूर्तियां, राजाओं और धर्मचारियों की समाधियां नहीं मिलती। इस सभ्यता में राजसत्ता या धर्मसत्ता के गुण नहीं मिलते। इस प्रकार स्पष्ट है कि सिंधु सभ्यता संपन्न थी परंतु उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था। अब यहां दिया हुआ है, सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है जो राजपोषित या धर्म पोषित ना होकर समाज पोषित, ऐसा क्यों कहा गया है? सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता है कि उसका सौंदर्य बोध, वह सौंदर्य बोध किसी राजसत्ता या धर्मसत्ता से प्रभावित ना था बल्कि समाज और सौंदर्य का पोषक था। यहाँ अनुशासन था पर ताकत के बल पर नहीं था। इसी कारण यहाँ अनेक औजार मिले परंतु हथियार नहीं और ना ही राजतंत्र के महल, उपासना स्थल व समाधियां मिली हैं। यहाँ के लोगों में कला या सुरुचि का महत्व ज्यादा था। वास्तुकला व नगर योजना के साथ धातु व पत्थर की मूर्तियां, मृदभांड, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति और पशु पक्षियों की छवियां, सुनिर्मित मोहरे, उन पर बारीकी से उत्कीर्ण आकृतियां, खिलौने, केश विन्यास, आभूषण, सुघड़ अक्षरों का लिपि रूप सिंधु सभ्यता को कला सिद्ध प्रकट करता है। पुरातत्ववेत्ता सिंधु सभ्यता की विशेषता सौंदर्य बोध बताते हैं। यह सौंदर्य समाज पोषित था इसलिए इसलिए यहाँ का जो आकार की जो भव्यता के बजाय कला की भव्यता अधिक थी। यहाँ आकार की भव्यता के बजाय किस चीज की, कला की जो भव्यता है वह अधिक थी। मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त अवशेषों के आधार पर सिंधु सभ्यता की क्या विशेषताएं क्या हैं? मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त अवशेषों के आधार पर सिंधु सभ्यता की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, सुनियोजित नगरी व्यवस्था थी। कैसी व्यवस्था थी? सुनियोजित नगरी व्यवस्था थी। सड़कें, दूसरा, सड़कें समकोण पर काटती थी तथा लंबी व आड़ी होती थी। सड़कों के दोनों ओर ढकी नालियां थी। फिर यहां सामूहिक स्नानागार तो थे ही परंतु घरों में भी स्नानागार होते थे। धार्मिक सामूहिक स्नान के लिए महाकुंड था। पानी की निकासी की उत्तम व्यवस्था थी। खेती व व्यापार होता था। नगरों में अनाज भंडार की व्यवस्था थी। पक्की ईंटों का प्रयोग होता था।
जल प्राप्ति के लिए कुएं थे और मोहरों पर उत्कीर्ण कलाकृतियां आभूषणों से कला प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य नगर मोहनजोदड़ो में कौन कौन से स्थान मुख्य रूप से दर्शनीय है? सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य नगर मोहनजोदड़ो में मुख्य स्थान, तीन स्थान दर्शनीय है। पहला बौद्ध स्तूप, विशाल स्नानागार या महाकुंड, और तीसरा अजायब घर। पहला आता है बौद्ध स्तूप। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना लैंडस्केप बौद्ध स्तूप है, जो 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर पक्की ईंटों से बना है। चबूतरे को गढ़ कहते हैं। चबूतरे पर भिक्षुओं के कमरे हैं। स्तूप की पहली झलक ही व्यक्ति को आश्चर्य में डाल देती है। इस ठहरे हुए दृश्य में हजारों साल से लेकर पल भर पहले तक की धड़कन बसी है। दूसरा विशाल स्नानागार वा या महाकुंड। सिंधु सभ्यता में सामूहिक स्नान को अनुष्ठान के रूप में स्वीकार किया गया था, जिसके लिए विशाल स्नानागार महाकुंड बनाया गया, जिसकी लंबाई 40 फीट, चौड़ाई 25 फीट और गहराई 7 फीट थी। यहां साधुओं के कक्ष व 8 स्नानागार और थे। कुएं के द्वारा पानी आता था। इसका पानी निकालने के लिए कैसी नालियां थी? पक्की नालियां थी। तीसरा अजायब घर। किसी कस्बाई स्कूल की इमारत जैसा यह अजायब घर है। किसी कस्बाई स्कूल की इमारत जैसा यहां अजायब घर है। खुदाई में से निकली 50,000 चीजों अवशेषों में से मुट्ठी भर अवशेष ही यहां पर हैं, जैसे तांबे कांसे के जो बर्तन हैं, मोहरें, मृद भांड, दिए, तांबे का आईना, खिलौने, रंग बिरंगे मनकों के हार। अजायब घर में औजार थे पर हथियार नहीं थे। क्या थे अजायब घर में औजार? जी वस्तु निष्कर्षणों के रूप में, जैसे मैंने आपको यहाँ पढ़ा रही हूँ, पूछे भी जा सकते हैं कि अजायब घर में क्या थे औजार या हथियार। तो आपको बताना है कि अजायब घर में औजार थे पर हथियार नहीं। सुइया व सुए तथा सोने के आभूषण रखे हुए हैं। इस प्रकार मैंने आपको पढ़ाया सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य नगर मोहनजोदड़ो में मुख्य तीन दर्शनीय स्थान, बौद्ध स्तूप, विशाल स्नानागार या महाकुंड और तीसरा अजायब घर। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहां दिया है मोहनजोदड़ो के घरों की क्या विशेषताएं थी। सड़कों के दोनों ओर मकान होते हैं, परंतु सड़कों की ओर घरों का पृष्ठ अर्थात पिछला भाग होता है। घर की सामने की दीवार में मुख्य द्वार होता है। घर के सामने की जो दीवार, उसमें कौन क्या होता है? मुख्य द्वार। कोई खिड़की नहीं है। खिड़कियां शायद दूसरी मंजिल पर हों। बड़े घरों के भीतर आंगन के चारों तरफ बने कमरों में खिड़कियां जरूरी हैं। छोटे व बड़े दोनों प्रकार के होते थे। जो घर होते थे वह छोटे और बड़े दोनों प्रकार के होते थे और एक कतार में बने थे। घरों का जो आकार 30x30 का होगा, 30x30 का। इनकी वास्तु शैली लगभग एक सी थी। मुखिया का घर दो आंगन वाला होता था। एक बड़ा घर भी है जो शायद उपासना केंद्र होगा, वह दो मंजिला था। बड़े घरों में छोटे कमरे भी थे। कुछ घरों में ऊपर की मंजिल के निशान हैं पर सीढ़ियां नहीं। खिड़की दरवाजों पर छज्जों के निशान नहीं थे। दूसरी मंजिल शायद सहतीरों पर बनाई जाती थी। यहाँ के घर राजस्थान के जैसलमेर के घरों जैसे थे। फिर है मोहनजोदड़ो की खुदाई में औजार तो मिले परंतु हथियार नहीं, या कथन की पुष्टि उदाहरण दीजिए, मतलब पुष्टि करते उसका जो उदाहरण सहित इसका कीजिए। अजायब घर में रखे अवशेषों में औजार तो हैं परंतु हथियार नहीं, यहाँ
अनुशासन तो था पर ताकत के बल पर नहीं। शायद यहां कोई सैन्य सत्ता ना रही हो मगर कोई अनुशासन जरूर था जो नगर योजना, वास्तुशिल्प, मोहर ठप्पों, पानी या साफ सफाई जैसी सामाजिक जैसी व्यवस्थाओं में एक रूपता को बनाए हुए था। इस सभ्यता में दिखावे या प्रभुत्व के तेवर नहीं थे। इस कारण सांस्कृतिक धरातल पर सिंधु घाटी सभ्यता दूसरी सभ्यताओं से अलग थी। यहाँ राजतंत्र या धर्मतंत्र न होकर कौन सा तंत्र था? समाज तंत्र था। राजतंत्र या धर्मतंत्र में शक्ति प्रदर्शन के लिए महल, उपासना स्थल, मूर्तियां और पिरामिड आदि मिलते हैं। सिंधु सभ्यता में न राजप्रसाद है, न मंदिर और न राजाओं महंतों की समाधियां। यहाँ मूर्ति शिल्प छोटे हैं और औजार भी छोटे हैं। राजा का मुकुट भी क्या है? छोटा है। नावें भी छोटी हैं। यह लो प्रोफाइल सभ्यता थी। लघुता में ही महत्ता का अनुभव करने वाली संस्कृति, आकार के स्थान पर कला की भव्यता थी। इसी कारण औजार तो मिले पर हथियार नहीं मिले। अब यहां देखिए, मोहनजोदड़ो में कृषि तथा उद्योग उन्नत था कैसे? मोहनजोदड़ो में कृषि व उद्योग दोनों उन्नत थे। वहां ज्वार, बाजरा और रागी की खेती होती थी। कौन कौन सी? ज्वार, बाजरा और रागी की खेती होती थी। खजूर, खरबूजे व अंगूर उगाए जाते थे। झाड़ियों से बेर जमा करते थे। सबके बीज मिले हैं और उनकी जांच भी की गई है। सिंधु घाटी के दौर में व्यापार ही नहीं उन्नत, खेती भी होती थी। यहाँ की सभ्यता पशुपालक और खेतीहर थी। इरफान हबीब के मुताबिक यहाँ के लोग रबी की फसल उगाते थे। कपास, गेहूं, जौ, सरसों और चने की उपज के पुख्ता सबूत खुदाई में मिले हैं। पत्थर और तांबे के उपकरण खेती में प्रयोग किए जाते थे। यह सभ्यता है यहाँ, वह सभ्यता का वर युग था। कपास की खेती भी होती थी। कपास को छोड़कर सबके बीज मिले हैं। यहाँ सूत की कताई, बुनाई के साथ रंगाई भी होती थी। माधव स्वरूप वत्स को रंगाई का एक छोटा कारखाना खुदाई में मिला है। लिनन और ऊन सुमेर से आयात होता था। जमीन में ईंटों के गोल गड्ढे उभरे हुए हैं। अनुमान है उनमें रंगाई के बड़े बर्तन रखे जाते होंगे। बैलगाड़ियों, आभूषण, औजार, बर्तन, खिलौने आदि से संबंधित उद्योग भी थे यहाँ। अतः यहाँ कृषि और उद्योग दोनों उन्नत थे। इस प्रकार मैंने आप लोगों को वितान भाग दो के अंतर्गत अतीत में दबे पांव पाठ के प्रश्नोत्तरों को पढ़ाया, समझाया। आप परीक्षा के लिए इसको बहुत अच्छे से तैयार करेंगे और यहाँ पर वितान भाग दो के जो पाठ हैं वो पूरे होते हैं। आप इन प्रश्नोत्तरों को परीक्षा के लिए बहुत अच्छे से